राइट, सो है गाइस अपन फिर से मिल चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस अपन चलेंगे आज म्यूजियम। तो गाइस ये है सिक्कर से, सिक्कर में कमी लोगों को पता है म्यूजियम। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई सिक्कर में भी एक जगह है म्यूजियम, सिक्कर म्यूजियम है अपना। तो चलो गाइस आपको दिखाते हैं सिक्कर का म्यूजियम कैसा है। चलो अभी तो रास्ते में ही अपन, तो मैं रास्ते के बीच में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो चले चलते हैं। तो गाइस इसी के साथ अपने गाड़ी स्टार्ट करते हुए और ये पहला गियर डालते हुए अपनी गाड़ी निकल चुकी है म्यूजियम की ओर। और हाँ गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ना शूट कर रहा हूँ ये म्यूजियम से 200 मीटर पहले, क्योंकि मैं घर पे शूट कर रहा था। तो अम्मी बोली कि क्या कर रहा है, तो पागल हो गया क्या, किससे बातें कर रहा है, तो इस चक्कर में क्या मैं बाहर आ गया। और हाँ गाइस अपन जा रहे हैं ना म्यूजियम के लिए, तो म्यूजियम में ज़्यादा भीड़ वगैरह भी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है कम ही लोगों को पता है म्यूजियम के बारे में। तो अपन जाएंगे ना, देख लेना आप, सिर्फ दो जने होंगे हम लोग, एक तो मैं और एक मेरे पीछे बैठा है भाई, ठीक है ना। और ऐसा है कि अगर आप YouTube पे भी देखोगे ना इस सिक्कर वाले म्यूजियम के लिए, तो गाइस आपको वीडियो नहीं मिलेगी, कोई भी ब्लॉग नहीं मिलेगा। तो गाइस इसी चैनल के ऊपर मिलेगा आपको ब्लॉग, तो गाइस देखना। और इसी के साथ अपना ये सामने म्यूजियम आते हुए देख सकते हो भाई, कुछ डेवलप हुआ है, अब सिक्कर भी थोड़ा थोड़ा बाहर हो जाएगा। चलो चलते हैं गाइस, तो अपन चलेंगे म्यूजियम के अंदर। तो गाइस इस म्यूजियम की एक दिक्कत ये है कि इस म्यूजियम के अंदर ना वीडियो ना शूट ना कुछ भी करने नहीं देते, ना वीडियो ना फोटो कुछ भी करने नहीं देते। जो अपन जो भी कुछ काम करेंगे ना, वो क्या है होशियारी से करेंगे और चोरी छुपे करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको वीडियो दिखा दूँगा सारी, और फ़ोटो भी थोड़ा है ना इलीगल है, यहाँ पर लीगल तो नहीं इलीगल है। तो मैं आपको है ना शूट चोरी छुपे करके वैसे दिखाऊँगा, मैं ना पूरा फेस नहीं दिखाऊँगा, और जो भी कुछ करना होगा आपके लिए तो कुछ भी हाजिर है, ठीक है ना। चलो चलते हैं गाइस अंदर, और अंदर का पूरा छुपके से आपको पूरा व्यू दिखा दूँगा, ठीक है ना। तो गाइस अपन फाइनली म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर तोप वगैरह है, चाबू वगैरह है। तो भाई इसी के साथ सिक्कर किंग थे ना, जो 20 जून को उनका जन्म हुआ था, और 1886 की बात है, और लगभग उनके ना 20 से 25 साल बाद में तो वो गद्दी में बैठ गए थे 1 जुलाई को, मतलब 20-25 साल बाद में 1 जुलाई को वो गद्दी में बैठ गए थे। फिर वो नए नए अपने कारोबार के लिए, मतलब उस टाइम पे उन्होंने ना 7 से 8 लाख रुपये खर्च किए थे सिक्कर के डेवलपमेंट के लिए, जिन्होंने स्कूल हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ बनवाया था उन लोगों ने, और नई नई जंग भी लड़ी थी। ये देख सकते हो भाई, ये जो तलवार वगैरह है जो उन्होंने यूज़ की थी सिक्कर को बचाने के लिए, ये देख सकते हो भाई लोग, जिन्होंने टॉप वगैरह यूज़ की थी ये वो सिक्कर को बचाने के लिए। हुमायूं की ये जो जयपुर के राजा थे ना सुलेमान सिंह, ये क्या है सिक्कर की तरक्की को देख के जल रहे थे ये, तो इन्होंने क्या है सिक्कर पे ना आक्रमण कर दिया था। इस वजह से क्या हुआ ना, तो सिक्कर की प्रजा को गुस्सा आ गया, और इन्होंने ना यहाँ पर हमला होने से बचा लिया। देख सकते हो भाई लोग, नए नए हथियारों का इन्होंने यूज़ करके है ना सिक्कर को बचाया था। और आपको और भी दिखा देता हूँ, रुक जाओ ये देखो। तो गाइस इसी के साथ आप देख सकते हो ये है राजस्थान का कल्चर, जो कि सिक्कर शहर में था, और लगभग पूरे राजस्थान में था ऐसा कल्चर, जो ये लुगड़ी में जो कढ़ाई वगैरह होता है ना, ये पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर था ये वाला सिस्टम ओढ़ने का, इसको घाघरा चोली बोलते हैं। और मतलब देख सकते हो भाई लोग कितना शानदार, और पेंटिंग वगैरह क्या, मतलब ये म्यूजियम है ना, एक बात तो है पूरी पिछली चीज़ों की याद दिलाता है। ये देख रहे हो भाई, ये पूरा असली है, ये जो महारानी वगैरह पहनती थी ना उसका है ये कपड़े। तो ये देख रहे हो भाई लोग, घाघरा चोली वगैरह सब है यहाँ पे फ्रेम के अंदर जचे हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कालीन वगैरह कितनी शानदार डेकोर है। बस उस टाइम पे तो क्या है अंग्रेज़ लोग का ज़माना था ना, तो काफ़ी लूट लाट के लेके चले गए थे वो इंग्लैंड के अंदर, लेकिन अपना इंडिया भी कम नहीं है। और अभी और गाइस इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पे कैसे ना कैसे करके मैंने परमिशन वगैरह तो ले ली है,
लेकिन अभी बाकी है ग्राउंड फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का पूरा व्यू आपको दिखाना बाकी। उसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा और वैसे ना छुपके से वीडियो बना के वो दिखाऊंगा आपको। तो भाई सही बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा आगे। और ये देख सकते हो भाई लोग, ये तलवार वगैरह अपने उस टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती थी। प्रोटेक्शन याद आया यहाँ पे, अपने प्रोटेक्शन की बात नहीं है। प्रोटेक्शन की बात से याद आया भाई कि भाई नीचे जाके पता नहीं क्या होगा, मैं वीडियो बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा वो तो बाद में देखेंगे। और जो भी करेंगे ना चोरी छुपे करेंगे भाई, सही बता रहा हूँ। बहुत फट रही है यार मेरे तो गन को देख के, और गन को देख देख के नीचे वाली याद, नीचे वाली बात। खैर नीचे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खा लेंगे यार, गोली भी खा लेंगे आप अगर नीचे मारेगा तो, और तो क्या है। और भाई जो भी मैं आपको ला रहा हूँ ये है सिक्कर का जो ट्रेडिशनल सूट होता है ना, ये होगा देखो यहाँ पे जो भी कल्चर होता है, पेंटिंग वगैरह ये दर्शाती है यहाँ पर। जो ऐसी चीज़ें बनती है ना उसका उसका सोच भी कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे वो है देख सकते हो भाई, पेंटिंग वगैरह। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो भैया पीछे बैठे हैं ना इनको, इनको मैंने रिश्वत दिए 50 रुपये जब इन्होंने बनाने दी है ये वाली वीडियो। ये बनाने नहीं दे रहे यार, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। और ये देखो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको जो। तो गाइस ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो पूरा स्टेचू बना हुआ है, पूरा मतलब पूरा सिक्कर का ना, पूरा ना स्ट्रक्चर से ना ये पूरा ना वो समझा रहा है कि पहले की औरतें कैसे काम करती थी, क्या करती थी, कैसे रोटियां बनाती थी, कहाँ से पानी लेके आती थी। मतलब ऐसा है कि पहले ना एक बात तो है, कुछ चीज़ नहीं थी उस टाइम पर लेकिन खुशियां थी लोगों के, ऐसा है। लेकिन मेरी खुशियों का यहाँ पे ठिकाना नहीं है गाइस, यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं। ये देखो भाई कितने मज़े से ना ढोल बजा रहे और कर रहे हैं, लेकिन यार इनको देखता हूँ ना मेरी ज़िंदगी से मैं खुद खफा हो रखा हूँ। देख रहा हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ यार मेरी ज़िंदगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या गोल नहीं है। अब इसी के साथ अपन गाइस नीचे चलते हुए, और अपना सिक्कर देखो ये रहा, ये है अपना सिक्कर। गाइस इसी के साथ नीचे जाएंगे और होशियारी से पूरा वीडियो बनाएंगे। तो गाइस इसी के साथ अपन है ना नीचे आ चुके हैं, ठीक है ना। और जो भी मैं दिखा रहा हूँ ना ये बहुत सीक्रेटली सही बता रहा हूँ, ऊपर कैमरे लगे हुए हैं मेरे, तो इस मोबाइल को छुपा के मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये गाइस अब तो ये वो तो छोड़ो और वीडियो का मज़ा लो, क्योंकि देखो गाइस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं सिक्कर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सिक्कर भी बहुत ऊँची चीज़ थी, सही बता रहा हूँ। ये देख रहे हो भाई, मतलब कारीगरी देखो बंदे की, ये देखो कारीगरी देखो बंदे की कि कैसे मतलब एक एक चीनी हटोरा मार मार के है ना, कितनी शानदार तरीके से है ना मूर्ति को सजाया है उन्होंने, उन्होंने डेकोर किया है, कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हो भाई लोग, देख रहे हो आगे तो और भी आएगा। मैं तो यार क्या हूँ, मैं तो छुपके से वीडियो बना रहा हूँ तो अच्छे से नहीं बन रही है, और घर का क्या है ना एडिट कर दिया उसको। ये देख रहे हो भाई, ये पेंटिंग नहीं है, स्ट्रक्चर है ये पूरा, हाथों से बनाया हुआ है पत्थर के अंदर, छीनी हथौड़े मार मार के। ये देख रहे हो भाई लोग कितना अच्छा व्यू लग रहा है ये। तो गाइस मैं सही बता रहा हूँ, सिक्कर जैसी कहीं पे भी नहीं है भाई, सिक्कर ही एक अलग एक्स्ट्रा लेवल का सिक्कर है। एक बात तो है सिक्कर, और सिक्कर की नगरी तो यार पढ़ाई के लिए तो वैसे भी जानी जाती है, और बहादुरों की सिक्कर वैसे भी है, आपको पता है ना। ये देख रहे हो भाई लोग कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पत्थर वगैरह है। तो गाइस मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ मैंने कैसे किया है ये सब। हम लोग गए दो जन, तो एक तो है जो गाइड दे रहा है ना जो हम लोग को जो मतलब कोई चीज़ टच नहीं करने दे रहा, एक सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास नीचे है वो लगा रखा है उन्होंने, तो वो भाई है ना उसको उनको ध्यान बैठा रहा है, तो वो अपने दूसरे तरीके से देख रहा है, मतलब वो अपने वहाँ पर देख रहा है दूसरे रूम के अंदर, और वो गार्ड उसके साथ ही। मैंने उसको बोला कि उसको बाथरूम में लगा ले और मैं है ना चुपके से वीडियो बना लूँगा, और ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं और गार्ड उस तरफ है, तो मैं है ना सही बता रहा हूँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और गाइस आप ना यूट्यूब पर भी देख लेना, कहीं पर भी नहीं मिलेगी भाई ये वाली वीडियो, कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगी, देख लेना आप ये वाली वीडियो। देख रहे हो भाई कितने अच्छे से मतलब मूर्ति को सजा के रखा हुआ है, पता नहीं यार क्यों मतलब ये शूट क्यों नहीं करने देते, वो इनकी मर्ज़ी। अब अपन भी क्या कर सकते हैं, नहीं करने तो नहीं करने देते, लेकिन गाइस सही बता रहा हूँ यहाँ पे आके है ना मुझे ना।
तो गाइस इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊँ ना तो मेरी ये क्लिप तो डिलीट हुई होगी और ऊपर से मेरा ना फाइन हो लगेगा और हो सकता है मेरे को जेल भी हो जाए। तो इतना रिस्की है भाई यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट म्यूजियम होता है यहाँ पे बिना परमिशन से ये ऐसी हरकत करना भाई बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है भाई लोग। और आप भी मतलब ऐसे करने की कोशिश मत करना, और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आओ और मज़े लो। तो गाइज अपन म्यूजियम के बाहर आ चुके हैं। तो गाइज वो रहा पीछे था म्यूजियम, तो गाइज देख सकते हो भाई इतना डर डर के आपको दिखा रहा था मैं सारी वीडियो। तो गाइज बहुत रिस्क वाला काम था ये वीडियो दिखाने वाला, तो मैं कैसे ना करके आपको वीडियो पूरा दिखा दिया हूँ। और भाई ब्लॉग है ना, ब्लॉग को है ना लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। और हाँ, अब सिकर के किंग के बारे में तो मैंने बताया नहीं आपको, वो किंग थे उनका जन्म हुआ था एक बार देखने दो भाई तो भूल गया यार, उनका जन्म हुआ था 20 जून 1886 के अंदर। तो ये बने थे राजा 1 जुलाई को बने थे, 1 जुलाई 1922 को बने थे, ठीक है। तो उसमें से 1922 से लेकर 1967 तक वो किंग रहे थे, और 5 जुलाई में उनका देहांत हो गया था। तो गाइस ये थी कहानी, ज़्यादा कुछ करके नहीं गए थे, करके तो बहुत कुछ गए थे लेकिन ऐसा है कि उन्होंने बहुत जंग लड़ी। और अभी गाइस ये है कि बरसात वगैरह भी आ रही है,